कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिसे देखने पर आपका खून खौल उठे, आपको अफसोस हो, आपको गुस्सा आए, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि बंदरों के एक झुंड को बोरी में बंद करके छोड़ दिया जा सकता है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन शैतानों को भी शर्मिंदा करने वाली इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। बंद बोरे में तड़पते बंदर, 45 डिग्री धूप में व्याकुल बंदर। नगर पालिका प्रशासन ने पार कर दी क्रूरता की हदें। जिम्मेदारों के खिलाफ कब होगी कार्रवाई? मत पूछिए कि क्रूरता की हदें क्या हैं, मत पूछिए कि इंसान अपनी इंसानियत को कैसे बोरी में बंद कर देता है, ये भी मत पूछिए कि इन बोरियों में क्या है। इन बोरियों में आटा नहीं है, गेहूं नहीं है, धान नहीं है, बादाम नहीं है। इन बोरियों में बंदरों को बांधा गया है। बांधा क्या गया है साहब? मरने के लिए छोड़ दिया गया है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, पूरे चार दिन बीत गए, मगर इन बंदरों पर किसी को दया नहीं आई। ये इन बोरियों में यूं ही पड़े रहे, तड़पते रहे। इनकी तरफ से निर्जीव बोरियों में तो हरकतें हो रही थी, लेकिन जब प्रशासन ही निर्जीव हो जाए, जब प्रशासन के अधिकारी अंधे हो जाए, बहरे हो जाए और सवाल पूछने पर गूंगे भी हो जाए, तो क्या सवाल पूछना, क्या जवाब मांगना? बस इन बोरियों को देखिए, इन बंदरों को देखिए, इस धूप को देखिए, 45 डिग्री पारे को देखिए और जिम्मेदारों के अक्ल को देखिए। अफसोस कीजिए, मगर जिम्मेदारों से सवाल मत पूछिए। चाकसू नगर पालिका प्रशासन की ये हरकतें हैं। बताया जा रहा है कि इन बंदरों से लोग परेशान हो रहे थे। जाहिर है ये बंदर हैं तो उत्पात मचाएंगे ही, ये इनकी तासीर है, ये इनका चरित्र है, लेकिन इंसानी चरित्र तो ये नहीं होता साहब। नगर पालिका प्रशासन इन बंदरों को पकड़ा, अच्छा किया, बोरी में बंद किया, ये बुरा किया। इन्हें पिंजरे में डालकर कहीं और छोड़ा जा सकता था, ये नहीं किया। करीब 90 से ज्यादा बंदरों को बोरियों में बंद करके कड़कती धूप में चार दिनों तक छोड़ दिया गया। जब इन बंदरों की तरफ का वीडियो वायरल हुआ तो चाकसू नगर पालिका प्रशासन की आंखें खुली और अधिकारियों की मरी हुई संवेदनाओं में सांसों की दो बूंदे चली। सवाल कई हैं, लेकिन सवालों का जवाब किसी न किसी को तो देना ही चाहिए। जयपुर से जी मीडिया के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चाकसू में बंदरों से क्रूरता के मामले में जी राजस्थान पर खबर दिखाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मामले की जांच करने के बाद विभाग अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।